फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रेनूज रेसिपी एंड लाइफस्टाइल। यूके में मैं लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए अंडा भुजी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप नॉन वेज से रिलेटेड कुछ क्यों नहीं दिखाते हो, तो मैं कोशिश करना चाहूँगी कि मैं उनकी सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर पाऊँ, और मैं करना चाहती हूँ सबकी रिक्वेस्ट पूरी। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, आप लोग बताना कि आप लोगों को ये कोशिश कैसे लगी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लीजिए हम क्या क्या उसके लिए हमें चाहिए होता है। सिंपल सी अंडा भुजी बनाना मैं सिखा रही हूँ। आई होप आपने टमाटर के साथ अंडा भुजी कभी देखी नहीं होगी। अगर देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। ये हमने एक ऑनियन ले रखा है रफली चॉप करके, कुछ धनिया ले रखा है, टमाटो ले रखा है, स्वाद अनुसार नमक ले रखा है, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर ले रखा है, और 4 एग ले रखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम या ज़्यादा। अब हमने गैस में पैन चढ़ा दिया है और उसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है जितना भी आपको चाहिए। और उसके बाद जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो आप चाहे तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं खाली जीरा ऐड करके इसमें जो ऑनियन कट कर रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ऑनियन को हमको इसका कलर चेंज नहीं करना है, साथ ही हमके थोड़ा सा ये चला के, और साथ ही हमें इसके टमाटर भी ऐड कर देना है। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देंगे ताकि हमारा टमाटर और प्याज जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, जल्दी से गल जाए। तो उसके बाद हम इनको अच्छे से इसी तरह से चला लेंगे थोड़ा सा, यानी मिक्स कर लेंगे नमक के साथ इन दोनों चीज़ों को। और मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद जब हम इसको चेक करेंगे तो इसका ऑयल अलग हो जाएगा और मसाला अलग हो जाएगा, अच्छी तरह से ये भुन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब 5 मिनट बाद कुछ ये ऐसा लगता है। अगर आपको टमाटर और प्याज इसमें दिखना नहीं चाहिए तो आप इनको रफली चॉप किए हैं जो मैंने, तो आप इनको फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक बाउल में अंडों को फेंट के रख दिया था पहले से, और फेंटने के बाद मैंने वो जो अंडों का वो था वो इसमें मिला दिया है। और उसके बाद जो मैंने मसाले ले रखे थे, नमक, मिर्च और हल्दी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको धीरे धीरे करके इसको चला लूँगी। तो अब ये 5 मिनट ऐसे ही मैं चलाती रहूँगी, उसके बाद ये बन के अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो इसमें एक बात ध्यान में रखनी होती है कि अंडों को हम पहले ही तोड़ के बाउल में फेंट लें। अगर हम साथ ही साथ तोड़ते रहेंगे तो नीचे से जल जाएगा और ऊपर से कच्चा ही रह जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बन के रेडी हो गया है तकरीबन, और अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। उसके बाद ये देखिए, धनिया पत्ती से हमने इसको गार्निश कर लिया है, और अब हम बाउल में निकाल के दिखा रहे तो कुछ ही। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा लगता है। अगर हम इसको बिना टमाटर के बनाएंगे तो ये कुछ सूखा सूखा सा रहता है, लेकिन टमाटर डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा सॉफ्टपन आ जाता है। तो ये इस तरह का लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये टमाटर डालने के बाद भी। तो इसका लुक कुछ इस तरह से लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शेयर ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को ताकि किसी ज़रूरतमंद के पास ये पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और मिलती हूँ आपको एक ऐसी सुंदर सी शॉर्ट सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।